जी सर बताइएगा। जो तीनों सवाल है ना, इनके मैं अलग अलग आपको शॉर्ट जवाब दे देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि अली अमीन को बतौर चीफ मिनिस्टर के पी क्या करने चाहिए। अली अमीन प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, अली अमीन फेडरल मिनिस्टर हैं, और अली अमीन को पता है कि जो सूबा है वो किस तरह से चलाना है, और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में से अली अमीन की हिदायत के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए इमरान खान काफ़ी है। बाकियों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ही नोज़, और वो एक बहुत बड़ा जो हमारी कामयाबी थी वहाँ एक जगह कंसोलिडेट अभी तक हो सकी है, बाकी जगह भी होगी, वो था केपी। इसलिए पहली बात ये थी आपकी। दूसरी जो बात थी कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए, तो मैं कोर्ट के सारे इजलासों में तकरीबन होता हूँ, किसी का ये फैसला नहीं किया गया। ये किसी की विश लिस्ट तो हो सकती है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ। और फिर जो तीसरी और आपने इम्पॉर्टेंट बात की है वो अलीमा ख़ान साहिबा के बारे में। अलीमा ख़ान आई एम अ विटनेस, हिस्ट्री इज़ अ विटनेस, वर्कर्स आर विटनेस, लॉयर्स आर विटनेस, कि उन्होंने बड़ा काम किया अपने भाई के लिए और उनकी रिहाई के लिए। मुकदमात भुगते हैं, मीडिया ट्रायल भुगता है, एलिगेशन प्रोसिक्यूशन वो सारा भुगतने के बावजूद इस वक्त जितने भी इमरान खान की फौरी रिहाई चाहते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और इमरान खान की बेगम ने भी और बहनों ने भी बहुत स्टैंड लिया है। हमने देखा है लोगों के पूरे पूरे खानदान मुल्क से भाग जाते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी मौजूद बहस नहीं बनाना चाहिए। पीछे आ जाए, पीछे आ जाए।